राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे दिल्ली की आजादपुर मंडी के एक सब्जी वाले, उसकी पत्नी और बेटी से अपने घर पर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। ये सब्जी वाला जब उन्हें सर कहता है तो राहुल कहते हैं, मेरा नाम राहुल है, मुझे सर मत कहो। राहुल उन्हें खाना भी परोसते हैं। राहुल ने वीडियो के साथ लिखा है, रामेश्वर जी उस भारत की आवाज है जिसकी पीड़ा, मुद्दे और चुनौतियां आज मुख्यधारा की बहस से बहुत दूर है। उस भारत की आवाज सुनना और संघर्षों का मुकाबला करने में साथ निभाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने 9 मिनट 5 सेकंड का पूरा वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया। इसमें लिखा है, रामेश्वर जी के आंसू और मुस्कुराहट में भारत की आवाज गूंजती है। इसके आगे लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही लोगों की बातें सुन रहा हूं, उनके दुख दर्द पहचान रहा हूं। अनानायास एक दिन रामेश्वर जी का एक वीडियो सामने आया। एक आम इंसान, एक खुददार और ईमानदार भारतीय जो मेहनत से अपने परिवार का पालन करना चाहता है मगर उनकी आंखें भरी हुई है मजबूरी की आंसुओं से। करे तो क्या करे, एक तरफ बेरोजगारी का गहरा कुआ तो दूसरी ओर महंगाई की खाई। इत्तेफाक से रामेश्वर जी ने मिलने की इच्छा जताई जिसके लिए मैं खुद इच्छुक था। सादर और सपरिवार उन्हें घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।